मेरी दुकान जो टूटी थी वो अतिक्रमण में थी, इसलिए टूटी थी। इसमें मंत्री जी का कोई हाथ नहीं था और मुझे लोगों ने भड़का दिया था, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया था। आज मुझे सच्चाई मालूम चली तो मैं मंत्री जी के साथ हूँ, भाजपा में साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और रहूँ। मैं तुलसीराम घोसी, युवा कांग्रेस नगर अध्यक्ष, कल जयसी नगर, कल सुखपुर विधानसभा का हूँ सर। कल मेरी दुकान तोड़वा दी गई है। किस चीज़ की दुकान? चाय नाश्ते की दुकान है साहब, और वो राजनीतिक द्वेषता के कारण तोड़वा दी गई। वो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, प्रशासन के पर दबाव रखकर मंत्री जी ने तोड़वाई है। और मुझे गिलानी इस चीज़ की है कि उस चौराहे पे 64 दुकानें हैं साहब, तो 64 दुकानों में से सिर्फ 4 ही दुकानें क्यों तोड़वाएंगी? यदि अतिक्रमण में कि मैं तोड़वाई गई है तो साहब मैं तो वैसे भी हटाने के लिए तैयार था। यदि हटवानी थी तो 64 दुकानें ही हटवाई हैं, वो भी सब रोड के किनारे अतिक्रमण में। मेरी सिर्फ क्यों तोड़वाई गई? मेरा कसूर क्या है? मेरा कसूर साहब इतना है सिर्फ कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। यदि दुकान तोड़वा के दबाव बनाना चाहते हैं तो साहब मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अपनी पार्टी का सिपाही हूँ, आप दुकान तोड़वा लीजिए और आप जो बनना चाहें कर लीजिए। पर ऐसी तानाशाही मैंने साहब पहले तो कभी नहीं देखी है जैसी आज हो रही है और हम लोगों के लिए दबाया जा रहा है। घटनाक्रम कुछ नहीं हुआ साहब, एक नोटिस आया और 64 दुकानों को ही नोटिस आया, सभी ने चालान भरे, फिर बेदखली का नोटिस तो मुझे आया था। और अचानक कल दोपहर में आके बोलते हैं तहसीलदार महोदय जी कि आपकी दुकान 10 मिनट में खाली कर दो। साहब 10 मिनट में कैसे खाली हो जाएगी? तत्काल का बोला साहब, दुकान हम लोगों की 4 दुकानें गिरा दी गई हैं। अब ऐसे कैसे सब दबाव बना रहे हैं हम लोग कैसे जिएंगे ऐसे? साल डेढ़ साल से ऐसा मचा है, किसी का घर तोड़वा दिया जाता है, किसी की दुकान तोड़वा दी जाती है, किसी को जेल भेज दिया जाता है, किसी पर 9-9 केस ला दिए जाते हैं साहब। एक्सीडेंट होता है किसी का और उसमें 326 ला दी जाती है। ये कैसा प्रशासनिक रवैया है साहब? होता सिर्फ कांग्रेसियों के साथ है, जो कांग्रेस का काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है? बड़े हुए तो क्या हुआ, ऊंचे पेड़ खजूर। सब गांव में यदि एक पेड़ खजूर का होता है तो वो सोचता है कि मेरे छाया में पूरा गांव है, बल्कि ऐसा नहीं है साहब। जनता ने आपको वोट दिए, जनता ने आपको जिताया है, जनता ने आपको मंत्री बनाया है। जनता के ऊपर अपने बल का प्रयोग और शासन का प्रयोग ना करें, जनता ही महान होती, जनता के ऊपर आप बॉस बनकर काम न करें, जनता आपको सबक सिखाएगी। मेरी दुकान जो टूटी थी वो अतिक्रमण में थी, इसलिए टूटी थी। इसमें मंत्री जी का कोई हाथ नहीं था और मुझे लोगों ने भड़का दिया था, इसलिए मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने गया था। आज मुझे सच्चाई मालूम चली तो मैं मंत्री जी के साथ हूँ, भाजपा में साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ और रहूँगा।